दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसी मोटिवेशनल पर्सनालिटी के बारे में जिसने अपने हौसले से ना सिर्फ फेल किया मेडिकल साइंस को, बल्कि इंडियन हॉकी टीम को ज्वाइन कर अपने देश का गौरव भी बढ़ाया। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ इंडियन हॉकी टीम के सूरमा और पूर्व कप्तान संदीप सिंह की। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे तय किया सफर संदीप सिंह ने व्हीलचेयर से इंडियन हॉकी टीम तक का, और साथ ही हम जानेंगे कि कैसे बनाया उन्होंने अपने जीवन को हम सब के लिए मिसाल। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं लर्निंग दीवाने। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, संदीप सिंह का जन्म 27 फरवरी सन 1986 को हरियाणा के एक मध्यम वर्ग के जाट परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम गुरुचरण सिंह और माँ का नाम दलजीत कौर था। उनकी शुरुआती पढ़ाई उनके होम टाउन शाहबाद में ही हुई। इसके बाद उन्होंने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से बीए की डिग्री हासिल की। संदीप बचपन से ही स्पोर्ट्स में काफ़ी रुचि रखते थे और उनका सपना था कि एक दिन वो एक बड़े हॉकी खिलाड़ी ज़रूर बनेंगे। संदीप सिंह के बड़े भाई विक्रमजीत सिंह भी एक प्रतिभाशाली ड्रैग फ्लिकर थे, लेकिन अपनी चोटों के चलते उन्हें अपने सपने को पीछे छोड़ना पड़ा और बाद में उन्होंने अपने भाई संदीप को हॉकी के लिए प्रशिक्षित किया। संदीप ने अपने करियर की शुरुआत सन 2004 में अजलन शाह कप से की थी। संदीप एक ड्रैग फ्लिकर थे और उनकी रफ्तार से सामने वाले खिलाड़ी आश्चर्य में पड़ जाते थे। इसी साल उन्होंने पाकिस्तान में हुए जूनियर एशिया कप में 16 गोल किए और वो इस टूर्नामेंट में टॉप स्कोरर भी रहे, और बाद में उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ भारत को फाइनल में 5-2 से जीत भी दिलाई। 22 अगस्त सन 2006 भारतीय हॉकी और इस महान खिलाड़ी के लिए डार्क दिन साबित हुआ। उस दिन वो अपने मित्र के साथ शताब्दी एक्सप्रेस में यात्रा कर रहे थे, तभी अचानक उनके मित्र से गोली चल गई जिससे वो बुरी तरह घायल हो गए, जबकि उन्हें 2 दिन बाद ही जर्मनी में विश्व कप के लिए रवाना होना था। इस घटना ने उन्हें 2 साल के लिए व्हीलचेयर पर बिठा दिया, लेकिन वो कहते हैं ना दोस्तों कि जहाँ चाह होती है वहाँ राह मिल ही जाती है। संदीप सिंह ने ना सिर्फ खुद को इस हादसे से उभारा, बल्कि भारतीय टीम को अपनी कप्तानी में 13 साल बाद सुल्तान अजलन शाह कप भी जिताया। संदीप का जीवन बहुत रोचक रहा और साथ ही उनकी कहानी लोगों को बहुत प्रेरित भी करती है, इसलिए उनके जीवन को आधार बनाकर एक फिल्म आने वाली है जिसका नाम है सूरमा। यह फिल्म संदीप की बायोपिक है जिसमें अभिनेता और पंजाबी गायक दिलजीत संदीप के किरदार में नजर आएंगे। व्हीलचेयर से उठकर अपने पैरों पर खड़े होने तक का सफर आसान नहीं होगा। हमें देश के ऐसे युवा से प्रेरणा लेनी चाहिए और जीवन में आगे बढ़ने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। दोस्तों, ये थी कहानी इंडियन हॉकी टीम के सूरमा संदीप सिंह की। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो कर दीजिए लाइक, और अगर वीडियो हेल्पफुल लगता हो तो इसे कर दीजिए अपने दोस्तों को शेयर, और इसे मजेदार नॉलेज बेस्ड वीडियोस के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए भैया सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग दीवाने को। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।